मेरे लिए हैशटैग फेस एनीथिंग का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि पूरी दुनिया आप पे जितना प्रेशर डाल सकती है वो डालेगी, जितना आपको कह सकती है कि आप गलत हो वो कहेगी. वो कहते हैं ना, बहुत पुरानी बात है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो लोग आपसे बहुत सारी बातें कहेंगे टू लाइक स्टॉप योर ग्रोथ और टू प्रूव यू अदरवाइज या टू मेक यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ. मगर जब आप उस फियर को, जब आप उस मौके को बिल्कुल आंख में, यू स्टेयर इन टू दैट मोमेंट एंड से आई एम बेटर देन ऑल ऑफ दिस एंड आई कैन फाइट एंड फेस एनीथिंग, देन यू ब्रेक आउट ऑफ दैट, यू नो, आउट ऑफ दैट शील्ड एंड देन यू बिकम अ होल न्यू पर्सन. आई मीन, आई थिंक मेरे हिसाब से जो ये ओले का कैंपेन है इस ज़माने में बहुत ही एप्ट है, क्योंकि आई थिंक हम इतनी आवाज़ होती रहती है रोज़, यू नो, विद व्हाट पीपल से एंड इतना सारा क्रिटिसिज्म, इतनी सारी नेगेटिव बातें होती रहती हैं एंड उस नॉइज़ को ड्राउन आउट करना बहुत बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से, वेदर यू आर अ मैन और अ वुमन. एंड आई, यू नो, यू कांट जनरलाइज एंड आई थिंक कि जो ओले ने इस बार किया है ये फेस एनीथिंग, इसका मतलब ये है जो कुबरा ने कहा कि नो मैटर व्हाट लाइफ थ्रोज एट यू, जो भी आपके सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है या मुश्किल ना भी हो, आपके खुद के बहुत सारी मुश्किलें अंदर से बचपन से आपके साथ यू नो रहती हैं, तो उन सबको ओवरकम करने की ही बात. I've been called Kubra my entire life. But I was called a snake, Masaba the snake. So I'm the same. Yay! See? And you won't believe it, but हमेशा घर जाती थी, रोती थी और कहती थी कि प्लीज मेरा नाम बदल दो. प्लीज चेंज माय नेम. आई डोंट लाइक दिस नेम. और आज आई फील प्राउड ऑफ माय नेम. आई फील सो कंफर्टेबल विथ माय आइडेंटिटी. स्किन कलर के ऊपर बोला जाता है, आपके बालों के बारे में बोला जाता है, आप अगर बहुत ज्यादा पतले हो गए तो भी आपको शेम किया जाता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते. बट आई थिंक द आइडिया इज कि आपको अपने अंदर जो एक रेजिलियंस है वो बना के रखनी पड़नी होती है एंड देन आई थिंक एवरीथिंग इज ओके. सो ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे आई थिंक इट्स फॉर एवरी मदर, एवरी वुमन, एवरी मैन टू टेक अ प्लेज टू से वी आर इक्वल एंड इट गोज बियॉन्ड जेंडर. एंड आई थिंक ये बात बहुत ज़रूरी है कि जो जब हम अब इतने दूर आ गए हैं, करेक्ट, इतने में भी बहुत टाइम लगा, काफ़ी साल लगे लोगों का माइंडसेट बदलने में और वुमेन्स एम्पावरमेंट में, लेकिन मेरे हिसाब से फेमिनिज्म वो है जो आप आदमी को नीचा ना दिखाएं, आप बस इक्वल्स हैं और आपको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए हर एक स्फीयर में. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी don't shame men in order to make women look good. That's very important to do that. It's because true. I think it's become like that. And it's the same with, you know, a fair girl or a dark girl or a big girl or a small girl. Har baat mein ek ko neecha dikhaya jata hai, dusre ko upar. Main bahut choti thi to because I was not conventionally considered good looking, and this is not something that I've just made up, it's the reality of going to a school where, you know, there were a certain kind, girls looked a certain way, their hair was a certain way, their body types were a certain way. मैं बहुत ही athletic थी, मैं tennis खेलती थी और मैं सारा दिन धूप में, you know, like a boy rolling around. So I just feel like जो लड़के थे, they used to call me a man, like, you know, they used to say, tomboy. Yeah, but yeah. I was not even a tomboy, I was a man. You're a man, nice. So, you know, because I was broad-shouldered and this and that, so I was not considered attractive, so I was considered unattractive but hot. You know, so hot to ab hua hai. So, tab tak to main unattractive thi, to maine abhi strike kar diya, niche hot lag dungi, rakh dungi. But I just think ke jo bachpan se aapko, aur logon ko aisa lagta hai ke jo aapke saath school mein hua, bachpan mein hua, wo aap bhool jate hai, aap nahi bhoolte. वो आपके साथ काफी काफी साल आपके साथ ट्रैवल करता है आपके माइंड में. 8th of March, it's celebrated as International Women's Day, but it is not just that one day when you need to feel the best of yourself or celebrate your sexuality or your gender or who you are as an individual. Take this day to celebrate every day for the rest of the year and for as long as you are alive. Happy Women's Day. बॉलीवुड की अपडेट्स और गॉसिप न्यूज के लिए मायापुरी कट सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें.